तो जब हम किसी को कम्युनिकेट करते हैं कुछ, तो डिपेंड करता है हम किधर से बोल रहे हैं। यदि हम हार्ट से बोल रहे हैं तो हार्ट तक बात जाएगी, और यदि हम माइंड से बोल रहे हैं तो बात माइंड पे अटक के रह जाएगी। और जो आपने अभी कहा वरुण ने कि हम कुछ कह रहे हैं सामने वाला कुछ समझ रहा है, क्योंकि समझ ऐसे ही चीज है, समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझना एक सेकंड में बदलता है। हम पैदल यहां से घर जा रहे हैं, किसी की बड़ी अच्छी सी हमने देखा कार जा रही है, बहुत अच्छी सी कार, उसको भी बंद कर देते हैं वो गर्म हो जाएगा नहीं, किसी की बड़ी अच्छी सी कार जा रही है शानदार सी, तो अपन उस कार को देख के एकदम सोचेंगे अरे यार क्या बढ़िया कार है यार, ये कार तो शायद 1 करोड़ से ऊपर की होगी यार, ये कार मेरे पास होनी चाहिए यार। अचानक से हम जा रहे हैं उधर से देखा किसी का घर देख लिया, यार ऐसा घर होना चाहिए हो तो यार। उधर से जा रहे हैं दो हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, उसकी बीवी देख ली सर हंसी तभी आ रही है जब हो जाता है ऐसा, ये तो हंसी क्यों आएगी, कोई चुटकुला तो बताना है नहीं उन्हें, रियली उसकी बीवी देख ली यार, बीवी कितनी सुंदर है, उसकी किस्मत अच्छी। हम दूसरों की किस्मतों पर ही रोते रहते हैं, लेकिन इस यात्रा के दौरान हमने उन लोगों को नहीं देखा जो 3 भिखारी हमसे भीख मांगने आए थे। तो हमने ये नहीं सोचा कि काश इसकी जगह ये एग्जीक्यूटिव होता NTPC में और मैं भिखारी, ऐसा सोचा क्या? ऐसा नहीं सोचा हमने। हमेशा किसको देखा, ये कौन कर रहा है, ये माइंड का गेम चल रहा है। जिस दिन आप हार्ट सेंटर पे आ जाओगे उस दिन आपको सब एक जैसे लगने लग जाएंगे कि ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, ये जो कोठी दिख रही है ये पहले किसी और की थी 100 साल पहले, अभी किसी और का लेबल लगा है, और 100% 20 या 22 साल के बाद इस कोठी के ऊपर नेम प्लेट किसी और की होगी। तो जो चीज मेरी है ही नहीं मैं उसको लेके काय को तंग हूं, जो चीज मुझे मिलना ही नहीं है मैं उसको लेके काय को। हाँ, हम अपनी इस जीवन में अपना स्किल डेवलप करने पर काम करें, अपने आप को डेवलप करने पे काम करें, क्योंकि जब हम मर जाएंगे शरीर पड़ा रह जाएगा, लेकिन जो हमने अपने आप का डेवलपमेंट किया है वो हमारे साथ जाएगा। इसीलिए आपको याद होगा आपके घर में किसी के घर में 2 बेटे हों, यदि 2 बेटे या 2 बेटियां हों या 1 बेटा या 1 बेटी हो, 2-3 बच्चे जिनके घर में होते हैं वो जानते हैं कि यार मेरा बड़ा बेटा तो बहुत लायक है, बिना बोले पढ़ता है, वो बिटिया भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये छोटा वाला न जाने कहां से पैदा हो गया खुरचन इसको क्या ना कितना ही समझा, इसकी खोपड़ी में साला कुछ घुसते ही नहीं, ऐसा लगता है कि ये मेरी औलाद ही नहीं, मैं इतना समझदार आदमी, बड़ा बेटा मेरा इतना समझदार, बिटिया इतना समझदार, ये न जाने कहां से पैदा हो गए, दिखता तो ये मेरी शक्ल जैसा ही है, तो मैं बीवी पे इल्जाम भी नहीं लगा सकता, लेकिन ये न जाने कहां से पैदा हो गया। हाँ, ये मतलब समझता ही नहीं कोई बात को। तो मैं आपको बताऊं ये क्या हो रहा है, ये आपका कुछ लेना देना उसमें है नहीं, बेटा बड़ा पैदा हुआ वो ज्यादा स्मार्ट है समझदार है, तो वो आपका लेना देना नहीं है, पिछले कई जर्नी से जो वो बच्चा आया है वो अपने अंदर कुछ लेके आया है। आपने देखा होगा कई 10 साल के बच्चे संगीतज्ञ हो जाते हैं। अभी एक मैं वो देख रहा था, वो जो म्यूजिक शो आते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, इंडियन आइडल टाइप के, उसमें जो गुरुजी जो बैठे हुए उनका नाम क्या है, वो शंकर ऐसा लाए के शंकर महादेवन, वो खड़े होके छोटे से 9 साल के बच्चे के लिए ताली बजा रहे, कह रहे क्या बच्चा है क्या बच्चा। अरे शंकर महादेवन को गुरु बनने में 60 साल लग गए और वो ताली बजा रहे हैं 9 साल के बच्चे के लिए, तो वो 9 साल की बच्चे की तो जर्नी अभी 3 साल पहले शुरू हुई, 3 साल पहले तो वो 6 साल पहले का था जब उसको म्यूजिक का मां भी नहीं आता था, आज वो बड़ा अच्छा गाना गा रहा है कि नहीं। कहां से हुआ किसी ने सिखाया उसको, वो अपनी जिंदगी से लेके आया है म्यूजिक, वो अपनी जिंदगी। तो मैं आया हूं, मेरे पिताजी ने मुझे कम्युनिकेशन स्किल सिखाया क्या, मेरे पिताजी ने मुझे ट्रेनिंग देना सिखाया नहीं, मेरे पिताजी तो ट्रेनर थे भी नहीं, मेरे घर में ट्रेनिंग का कोई माहौल भी नहीं था। हर आदमी अपने अंदर कुछ ना कुछ लेके आता है, बशर्ते हम उसके लाई हुई पूंजी पे, उसके लाई हुई बीज पे अपना अधिकार ना जमाए। बाप 2 काम कर सकता है, हर बाप,
या तो वो उस बीज को पैदा होने में और पेड़ बनने में और फलने फूलने में बच्चे की मदद करे, उस बीज को निकाल के गमले में डाले और रोज पानी दे, एक दिन वो गमला इतना 6 फीट का हो जाएगा, 6 फीट होने के बाद वो गमले से निकाले और उस पेड़ को जमीन में ट्रांसप्लांट, इतनी भगवान ने शक्ति दी है बाप को बस। और जिस दिन वो जमीन में जैसे ही आया पेड़, वो फिर देखो आप क्या जिएगा, गजब का हो जाएगा, करोड़ों बीज निकलेंगे उसमें। तो वो एक बच्चा। दूसरा, हमने अब उस बच्चे को बोला नहीं, तुझे बैंक में मैनेजर ही बनना है, तुझे इंजीनियर ही बनना है, तुझे मैं ये बनाऊंगा, मुश्किल हो जाएगी, वो बच्चे के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक आदमी एक नर्सरी में गया, वहां से कुछ बीज खरीद के लाया और वो जब बीज लेने गया तो बीज वाला ने पूछा आपको कौन से पेड़ के बीज चाहिए, तो उसने कहा कोई से भी दे दे, मुझे कोई मतलब नहीं कौन से बीज दे रहा तू, कोई से भी दे दे। उसने भी एक बीज जो डब्बी सामने रखी थी वही उठा के दे दी। घर आया, वाइफ ने कहा ये क्या कर रहे हो, मैं आज गुलाब की खाद लाया हूं, गुलाब के लिए गमला लाया हूं, गुलाब के लिए मिट्टी लाया हूं, और बीज लाया क्या गुलाब के, नहीं, मैंने तो गुलाब वाला से कहा तू कोई से भी बीज दे दे। लेकिन एक बात सुन लो तुमसे मैं कह रहा हूं, अपनी वाइफ से उसने कहा कि मैं इस बीज को बोऊंगा और इन बीज से मुझे लाल गुलाब चाहिए, बस उसने उसको बो दिया और रोज उसके सामने बैठ के बोलने लगा कि ध्यान रखो मुझे तुमसे लाल गुलाब चाहिए। बोलते हैं वो चमेली के बीज थे और चमेली के फूल सफेद होते हैं, लाल नहीं होते, तो उनमें से चमेली में से रोज सुन सुन के डर गई। जैसे वो ये आदमी ऑफिस आज से घर आता वो पौधा डर जाता और वो डरा हुआ पौधा उतना डेवलप भी नहीं हो पाया, उतना बड़ा भी नहीं हो पाया और उसमें से चमेली के भी फूल नहीं उग सके। गुलाब के क्या खाक उगेंगे, चमेली के भी नहीं उग पाए। इस बात पे भी एक बार ताली तो बजाइए। तो आज ही अपने बच्चों को या किसी पे भी अपना अधिकार मत जमाइए कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। ये सोचिए कि हम क्या कर पाए, हम भी तो कुछ नहीं कर पाए। तो ये जो सीन दिखाया मैंने आपको अभी, ये फिल्म का नाम था कौन सा, संजीव कुमार, शर्मिला टैगोर, डायरेक्टर कौन, गुलजार, गुलजार ने ये बनाई फिल्म, मौसम, फिल्म का नाम मौसम, हीरोइन शर्मिला टैगोर, संजीव कुमार और गुलजार, तीन लोगों की तिकड़ी ने बहुत खूबसूरत सीन क्रिएट किया इस फिल्म में और बहुत खूबसूरत बात कही उसने। अक्सर लोग गाना आता होगा, ये गाना जब चलता होगा तो वो बाहर चले जाते टॉयलेट करने, हॉल से बाहर उठ के, या मूंगफली खाने या समोसा खरीदने, और वे गाना चूक गए देखने से। और मैं पिछले 22 साल से लोगों को ये गाना दिखा के समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी को समझो। तो आज से क्या करना है, हमको अपना कम्युनिकेशन लेवल डेवलप करने के लिए कोई कम्युनिकेशन स्किल की क्लास ले, ठीक है ले लीजिए, लेकिन करना क्या, उद्देश्य क्या है कम्युनिकेशन को डेवलप करने का, उद्देश्य सिर्फ है कि 1.5 फीट की जर्नी कवर करनी है, 1.5 फीट की जर्नी कंप्लीट करनी है, कहां से, ब्रेन टू हार्ट, नाप के देख लो 1.5 फीट होगा, लेकिन ये 1.5 फीट की जर्नी में 70 साल भी कम पड़ते हैं लोगों को। मैं जब बोलता हूं लोगों को अच्छा लगता है, आप जब बोले अच्छा लगना चाहिए, यदि आप बोले लोग सुन रहे हैं मतलब आप बढ़िया इंसान है, आप दिल से बोल रहे हैं, यदि आप बोल रहे हैं कोई नहीं सुन रहा मतलब कि या तो आपका दिल नहीं है या सामने वालों का दिल नहीं है, दिल में से दिल नहीं मिल रहा। मैंने बताया कि मुझे जनरली लोग सुनते ही हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो समझ नहीं पाते मुझे, तो कोई बात नहीं ना, मैं उनको देख के समझ जाता हूं कि अभी इनने अपना दिल का सेंटर डेवलप नहीं किया है, क्या करेंगे ये जानते ही नहीं है, ये नल में से पानी पीने वाले लोग क्या जाने। एक आदमी ने अपने घर में बहुत बड़ा सा टैंक बनाया, टैंक जानते ना, अंडर वाटर टैंक, जमीन में 10 फीट गड्ढा खोदा सर, 10 फीट ऐसा गड्ढा करा, 20 फीट ऐसा करा, और मतलब ये समझिए 10 फीट गहराई और 20 फीट चौड़ाई, 10 फीट चौड़ाई, 20 फीट और 10 फीट, ऐसा लंबा सा टैंक बना लिया 20x10 और हाइट भी 10 फीट। कितने लीटर पानी आएगा, आ जाएगा बहुत। तो उसने एक दिन अपने बाबूजी को फोन लगाया कि बाबूजी गांव से मेरे घर आओ कभी, हमने यहाँ पे टैंक बनाया है और वो इतना बढ़िया टैंक है कि कभी खाली नहीं होता,
इतना पानी आता, 5,000 लीटर पानी आता बाबूजी उसमें, और रोज हमारा नल चलता रहता है उसमें, तो रोज ही भर जाता है वो। अब पानी की हमारे कोई झंझट नहीं, पिछले बार आप आए थे ना तो नहा नहीं पा रहे थे, कपड़े नहीं धो पा रहे थे, अब आप आ जाओ, बहुत बढ़िया व्यवस्था कर दी मैंने। बाबूजी आए, देखा, देखो कितना अच्छा टंकी, आपके गांव में भी किसी के घर में इतनी अच्छी टंकी नहीं होगी। बाबूजी ने कहा कि हाँ सही कह रहा है तू, हमारे गांव में टंकी नहीं है, हमारे गांव में तो हमारे घर के पीछे छोटा सा कुआं है, लेकिन वो कुआं कभी खाली नहीं होता, और उस कुएं को तुम्हारी टंकी की तरह कभी धोना नहीं पड़ता, और उस कुएं में कभी कीड़े भी नहीं पड़ते, शुद्ध जल मिलता है हमेशा, हम क्या जाने टंकी क्या होती है, क्योंकि हम तो हैं कुआं। अब आप समझ गए होंगे कि कुएं और टंकी में जमीन आसमान का अंतर है। टंकी वाले लोग अपने आप पे घमंड करते हैं कि हमारे पास टंकी है, वो कुएं वाले लोग अपने आप को बताते भी नहीं है कि हमारा संबंध तो नदियों से है, अनेक अनेक गहराइयों से है, हम कितने नीचे से पानी लेके आते हैं वो बताते भी नहीं है। तो हम यहाँ आए हैं कुआं लेके, अब आप उसमें से पानी पीना चाहो पी लो, और आप चाहो कि नहीं हमें नहीं सुनना तो नहीं सुनो, लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहाँ हर बेटा एक एक व्यक्ति भी ध्यान से सुन रहा है बात। तो इसी तरह हम 2 दिन गुजारेंगे, और इन 2 दिनों में मैं आपको बहुत सारा मैसेज और बहुत सारा गिफ्ट देने की कोशिश करूंगा। तो वो जो आदमी भगवान जी के पास गया था, भगवान जी से मिला, और उसने कहा लाखों है यहां दिल वाले पर प्यार नहीं मिलता। प्यार मिलेगा कैसे? प्यार को ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, प्यार को ढूंढने की जरूरत नहीं है, प्यार कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। एक लड़की की शादी हुई एक लड़के से, और जब शादी होने के बाद लड़के ने पूछा तुझे क्या चाहिए, तो लड़की बोली कि मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। लड़की बोली मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, वो लड़का बोला पागल हो गई क्या, चला प्यार मेरे पास होता तो मैं तेरे पास आता क्या, मेरे को तो खुद प्यार चाहिए। दे दे प्यार, दे प्यार, दे प्यार, दे। चलो ऐसा लग रहा है दोनों कटोरा मांग के मांग रहे कि मेरे को प्यार दे दे, मेरे को प्यार। दो भिखारी मिल गए आज, एक दूसरे से मांग रहे कि मुझे जायदाद दे दे, जायदाद। वो लड़का बोलने लगा मेरे पास नहीं थी तब तो मैंने तेरे से शादी करी। प्यार मांगा नहीं जाता, प्यार दिया नहीं जाता, प्यार एक कुआं है, अपने दिल में खोदा जाता है, और अपने अंदर आपके अंदर यदि प्यार आ गया तो आपको देने की जरूरत नहीं है, आप ओवरफ्लो होगे, आप जिसके भी पास जाओगे प्यार बांटोगे, आप एक गुलाब बन जाओगे, और गुलाब को खुशबू किसी से लेके नहीं देनी पड़ती, बल्कि प्राकृतिक रूप से खुशबू तो फैलती है, कोई ले या ना ले। गुलाब इसलिए नहीं खुशबू देता है कि 5-6 लोग आ रहे हैं चलो खुशबू बटन स्टार्ट करें, ये रुको अभी बंद कर दो, एक भी नहीं है गार्डन में कोई भी, ये नहीं देखता गुलाब के गार्डन में कितने लोग टहल रहे हैं और इस गार्डन में कितने लोग आते हैं। वो तो अपने रंग में जी रहा है, वो अपनी मस्ती में है, वो बेसिकली तुम्हें खुशबू दे नहीं रहा। लोग कहते हैं कि आम के पेड़ जैसे बनो, लोगों को छाया दो, लोगों को मिठास दो, कहते हैं कई लोग कि जिंदगी में बनो तो आम के पेड़ जैसे बनो, छाया भी दो, पक्षियों को रहने की जगह भी दो और मिठास भी दो। मैं आपको बताऊं आम के पेड़ का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। आम का पेड़ किसी को छाया देने के लिए नहीं बना, आम का पेड़ किसी को मिठास देने के लिए नहीं बना, आम का पेड़ किसी को मिठास खिलाने के लिए बना नहीं बना। आम का पेड़ तो आनंदित है अपने आनंद में, तो उसके अंदर के आनंद से वो मिठास अपने आप आ रही है, और वो आम के रूप में टप टप आप नहीं भी होगे, नहीं रहते आप, आपने 3 दिन के लिए चले गए गांव तो भी आम टपकते रहेंगे और उगते रहेंगे। उसको मतलब नहीं कि कोई खा रहा है कि नहीं खा रहा, उसको मतलब नहीं कि कोई मेरी छाया में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, वो अपने आई हुई चिड़ियों को गिन नहीं रहा कि मेरे यहाँ कितनी चिड़िया बैठने आई, वो तो अपने आनंद में है और उसके आनंद का ओवरफ्लो हो रहा है, वो है आम का पेड़। तो आज से मैं आपको बताऊं कि कम्युनिकेशन स्किल जब आपके अंदर आ जाएगा तो आप ओवरफ्लो होगे, जिधर भी आप जाओगे, ट्रेन में गए, बस में गए, मंदिर में गए, जेल में भी चले गए, किधर भी आप जाओगे तो आपको वहां ओवरफ्लो आपका चालू रहेगा, लोग आपको सुनेंगे ध्यान से, लोग आपको नमस्कार करेंगे। जैसे आपके बाबूजी को मैंने सुबह कितना सुनाया था कि जब आप अपने घर से निकलते होगे बाबूजी के साथ, याद करो उंगली पकड़ के उनकी, तो बहुत सारे लोग रास्ते में निकलते निकलते बोलते होंगे
राम राम, जय राम जी की भाई। अरे बैठो तो थोड़ा, थोड़ी देर तो बैठ जाओ। अरे चाय बनवाते हैं, बैठो। चाय निकल के आती होंगी घरों से निकल के, पानी आते होंगे घरों से निकल के। क्यों? क्योंकि एक आदमी का कम्युनिकेशन लेवल दिल से है। दिल से यदि आपका कम्युनिकेशन लेवल है, दिल तक जाएगा। और जर्नी यदि ब्रेन से है, अब हम माइंड से और दिल तक कैसे यात्रा करें ये हम सीखेंगे 1.5 दिन में। आज का दिन केवल मैंने बेस बनाया। लोग आके सिखाते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ये सीखने वाली चीज है ही नहीं। इससे कम्युनिकेशन नहीं आ जाएगा। ये किताब में पढ़ के एग्जाम देने वाली चीज है कि आप एग्जाम में सिर्फ पासिंग मार्क्स ले आए या चलो मेरिट में भी आ जाए, लेकिन वो मैंने नहीं सिखा रहा। मैं ये सिखा रहा हूं कि आपके, हाँ यार गर्मी हो गई थोड़ा। अब मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं सोचिए, टेक्निकली सुनिए। आपका ये जो आंख है, आंखों के ऊपर भवें, जो भंव दिख रही है, जो जहां बाल हो गए हुए हैं आंखों के ऊपर यहाँ पे, हाँ, इससे आप जहां ये खत्म हो रहे हैं बाल, जहां खत्म हो रहे हैं वहां से यदि हम 2.5 इंच का अंदर होल करेंगे, 2.5 इंच करेंगे नहीं क्योंकि मरी जाएगा आदमी, 2.5 इंच यदि अंदर जाएंगे और स्कैन करके देखेंगे तो वहां पे एक न्यूक्लियाई फैमिली रहती है जिसका नाम है एमिग्डाला। क्या नाम है? हाँ फिर से रिपीट करें, क्या नाम है? एमिग्डाला। बोले सब लोग एमिग्डाला। एमिग्डाला क्या काम करता है, कैसे काम करता है और हम उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं ये हम सीखेंगे कल और परसों में। जिसने अपना एमिग्डाला डेवलप कर लिया वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल तो छोड़ो, वो सामने वाले को देख के पकड़ लेगा कि ये बंदा क्या कहने आया है, क्योंकि एमिग्डाला ऐसा काम करता है। ये क्या है इसको समझेंगे टेक्निकली और इसको, इस पर काम करेंगे। दुनिया में बहुत कम काम हुआ है एमिग्डाला के ऊपर, क्योंकि ये है क्या लोग जानते नहीं। आपने भी कोई किताब नहीं पढ़ी होगी, कम्युनिकेशन स्किल की किताबें पढ़ी होंगी आपने, हो सकता है, लेकिन एमिग्डाला को पढ़ा आपने कभी नहीं? पहली बार सुन रहे हैं आप नाम, पहली बार सुन रहे हैं। तो आपको मैं बताऊं, इसको हम डेवलप करने की बात करेंगे कल और परसों, कैसे डेवलप किया जाता है और काम क्या करता है। हाँ एमिग्डाला इसका नाम, हाँ आज का और कल का मैं अभी लिखा दूंगा आप, मैं अभी सब लिख के वीडियो भी दिखाऊंगा, आप चिंता मत करें, अभी आप सिर्फ सुन लीजिए। जब मेरे को लिखाना होगा मैं रियली एक एक चीज पॉइंट अपन लिखेंगे अभी लंच के बाद और फिर उसको समझेंगे। आज का जो सेशन था फर्स्ट सेशन, ये हमारा एक बेसिक सेशन था, एक आपको जगाने के लिए सेशन था, एक आपका आइस ब्रेकिंग के लिए था। और मुझे खुशी है कि आप सब लोग जाग चुके हैं और आइस ब्रेक आपका सबका हो चुका है। तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप अपने लिए ताली बजाएं जोरदार कि जो आपने ध्यान से सुना, आपने ध्यान से महसूस किया और आपको रियली बहुत फायदा होने वाला है। रियली आप किसी भी एज के हो, किसी भी, आप एग्जीक्यूटिव हो तो जरूरी नहीं कि केवल एग्जीक्यूटिव हो, आप नॉन एग्जीक्यूटिव हो, लेबर भी करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर व्यक्ति के पास जो मैं बोल रहा हूं वो है। आंखें हैं आपके पास, भवें हैं दिख रहा है, यहां से आपके पास खोपड़ी के अंदर जो क्या है उसको मैं समझाऊंगा और उसको हम समझेंगे और उसको डेवलप करेंगे। और कोई कुछ क्वेश्चन लंच के बाद? शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।